हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग अनियन या हरे प्याज के स्टफ्ड पराठों की रेसिपी। आपने हरे प्याज को एज अ सैलेड, सब्जी या कई चाइनीज रेसिपीज में जरूर यूज किया होगा, लेकिन शायद ही आपने कभी इसके पराठे बनाए या खाए होंगे। तो ये पराठे खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि एक बार अगर आपने इन्हें इस तरीके से बना लिया तो ये पराठे आपके फेवरेट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर किए बिना फटाफट शुरू करते हैं कुछ टिप्स के साथ हरे प्याज के इन टेस्टी पराठों को बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर पराठों का डो बनाकर रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम गेहूँ का आटा लिया है। इसमें मैं 2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी। इसे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन पराठों में। तो आधा छोटा चम्मच इसमें अजवाइन को हाथ से इस तरीके से क्रश करते हुए डालेंगे, और एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैं कसूरी मेथी को भी हाथ से इस तरीके से क्रश करते हुए डाल रही हूँ। तो बारीक कटा हुआ मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है, एक छोटा चम्मच नमक डाला है। तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच घर की फ्रेश मलाई। तो इसे डालने से हमारे पराठे काफ़ी समय तक सॉफ्ट बने रहेंगे। तो अच्छे से यहाँ पर मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करूँगी और इसका एक सॉफ्ट और स्मूथ डो बनाकर रेडी कर लूँगी। तो धीरे धीरे ही हमें यहाँ पर पानी ऐड करना है। तो अब मैं यहाँ पर पानी डालने के बाद इसे बहुत अच्छे से नीट कर लूँगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से नीट कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद ढककर मैं यहाँ पर इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी। यहाँ पर मैंने एक छोटा बंच फ्रेश हरा प्याज लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी सुखा लिया है। तो बिल्कुल भी इनमें मॉइस्चर नहीं है। तो स्प्रिंग अनियन के वाइट और हरे पार्ट को अब मैं अलग अलग बारीक कट कर लूँगी। तो इन पराठों को बनाने के लिए मैं यहाँ पर इन दोनों का ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों को अलग अलग बारीक कट कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पर फिलिंग बनाकर तैयार करूँगी। तो गैस पर मैंने एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल गरम करने के बाद आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा और 1 पिंच हींग डाल दी है। यहाँ पर इन्हें कुछ देर तक रोस्ट करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक। इसे भी यहाँ पर कुछ देर तक रोस्ट कर लेंगे। तो अब मैंने इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच बेसन डाला है। तो बेसन डालने से फिलिंग में टेस्ट तो अच्छा आएगा ही, एक बहुत अच्छी बाइंडिंग भी आएगी स्टफिंग में। बेसन से अच्छी सी खुशबू आने के बाद इसमें मैंने ये स्प्रिंग अनियन का बाइक पार्ट डाला है। इसे मैं 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए और सॉफ्ट होने तक कुक करूंगी। तो अब मैं इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करूंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसमें ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर। तो अच्छे से मसालों को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं इसमें स्प्रिंग अनियन का ये बारीक कटा हुआ हरा पार्ट डाल दूंगी। तो इसे भी 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलाते हुए मैंने हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है। लास्ट में इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाला है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। तो अब मैं यहाँ पर डो को चेक कर लूंगी और एक बार फिर इसे अच्छे से नीट कर लूंगी। तो रेस्ट करने के कारण ये डो पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इसके मीडियम साइज के बॉल्स या पेड़े बना लूंगी। आप चाहो तो इनका साइज बड़ा भी कर सकते हो। तो सभी पेड़े मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर इनके अंदर फिलिंग भरनी है। तो इस तरीके से पहले इसे फ्लैट कर लेंगे। तो किनारे पतले और बीच का पोर्शन थोड़ा मोटा हमें यहाँ पर रखना है। तो अब मैं यहाँ पर इसके सेंटर में रखूंगी ये प्याज की स्टफिंग। तो स्टफिंग हमें बहुत ज्यादा कम या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं भरनी है। तो अब मैं यहाँ पर इसके कॉर्नर को इस तरीके से सेंटर में ले आऊंगी। तो फिलिंग को प्रेस करते हुए इसके कॉर्नर को मैं सेंटर में ले आई हूँ। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे मैं हटा लूंगी और फिर इसे हाथों की मदद से गोल कर लूंगी। तो अब मैं यहाँ पर इसे बेल लूंगी। तो चकले पर पहले मैंने थोड़ा सा आटा डस्ट किया है जिससे बेलने में आसानी रहे। तो दोनों साइड से इस तरीके से मैंने इसे प्रेस कर लिया है जिससे फिलिंग दोनों साइड फैल सके। तो अब मैं यहाँ पर इसे हल्के हाथों से इस तरीके से बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से इक्वली पतला बेल लिया है। तो इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो फिलिंग हल्की सी नजर आ रही है लेकिन बाहर नहीं आई है। तो गैस पर मैंने पहले ही तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसे मैंने तवे पर डाल दिया है। तो 2 से 3 मिनट बाद इसे मैंने अब पलट लिया है। तो अब मैं इसके ऊपर साइड में लगा लूंगी ऑयल।
तो 2 मिनट बाद फिर मैंने इसे पलट लिया है। इसके ऊपर फिर मैं लगा लूंगी ऑयल, तो ऑयल की जगह आप घी का भी यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे से हमारा ये प्याज का पराठा यहाँ पर सिक रहा है। तो दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पर इसे सेक लिया है। पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा था। तो यहाँ पर हमारा ये प्याज का पहला पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो सेम इसी प्रोसेस से मैं दूसरा भी बना लूंगी। फिल किए हुए इस पेड़े को प्रेस करने के बाद इसे भी मैं हल्के हाथों से बेल रही हूँ ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से बेल लिया है। तो इसे भी मैं गर्म तवे पर डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट तक पहले एक साइड से सिकने दूंगी। तो सिकने के बाद ही हमें यहाँ पर इसे पलटकर इसके ऊपर ऑयल लगाना है। तो मैं यहाँ पर कम ऑयल लगा रही हूँ, आप चाहो तो ज्यादा भी लगा सकते हो। तो दूसरी साइड भी मैंने इसमें ऑयल लगा लिया है। तो दोनों साइड से यहाँ पर अब मैं इसे क्रिस्पी होने तक सेक लूंगी। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर इसे सेक लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा हरे प्याज का पराठा भी बनकर तैयार है। तो सेम इसी प्रोसेस से मैंने यहाँ पर ये तीसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हरे प्याज के ये स्टफ्ड पराठे तैयार हैं। आप चाहो तो इन्हें ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन इन्हें मैंने इस तरीके से कट करके प्लेट में निकाला है और सर्व किया है मसालेदार दही के साथ। तो आप भी इस तरीके से हरे प्याज के इन स्टफ्ड टेस्टी पराठों की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।